आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी भक्तों को बधाई व शुभकामनाएं। भगवान विष्णु पूर्ण 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि 12 बजे सारे ताले टूट गए, सब द्वार स्वयं ही खुल गए, मानो सबके कष्ट एक साथ ही दूर भाग गए हों। सारे संसार में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे ब्रह्मांड में बधाई बजने लगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी इस बार कब मनाएं। श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी को रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। 2024 के पंचांग के अनुसार भाद्र कृष्ण अष्टमी 25 अगस्त को रात्रि 3:39 पर लग जाएगी और 26 अगस्त को रात्रि 2:19 तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र भी 26 अगस्त दोपहर 3:55 से लग जाएगा, यानी 26 अगस्त रात्रि 12 बजे कृष्ण अष्टमी रहेगी और रोहिणी नक्षत्र भी। इसीलिए जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें। सुबह जल्दी उठें और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान श्री कृष्ण के आगे व्रत का संकल्प करें। इसके लिए हाथों में तुलसी की पत्ती पकड़ें और व्रत के दौरान होने वाली किसी भी भूल के लिए क्षमा मांग लें और जल लेकर के फिर संकल्प करें कि मैं आज आपके नाम का व्रत करूंगा या करूंगी और इस तरह से मैं रखूंगी व्रत को। वो पूरा विवरण उसी में दे दें। मंदिर जाकर भगवान की सेवा करें या घर पर ही ठाकुर जी का मंदिर सजाकर उनकी पूजा करें। मंदिर में लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, उन्हें साफ कपड़े पहनाएं, श्रृंगार करें और झूले में बैठा दें। घर पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, मूर्ति को गाय के दूध से और गंगा जल से अभिषेक करें, फिर उन्हें मनमोहक वस्त्र पहनाएं, मोर मुकुट, बांसुरी, चंदन, वैजयंती माला, तुलसी दल आदि से उन्हें सुसज्जित करें। फूल, फल, माखन, मिश्री, मिठाई, मेवे, धूप, दीप, गंध आदि भी अर्पित करें। जो भक्त 56 भोग लगा सकते हैं वे अवश्य ही लाला को 56 भोग लगाएं। पूजा के बाद व्रत का पारण करें। कुछ लोग रात्रि में ही व्रत पारण कर लेते हैं तो कुछ अगले दिन सूर्य उदय के बाद या फिर अष्टमी तिथि के समापन के पश्चात व्रत खोलते हैं। ध्यान रखें कि आपने जैसा व्रत का संकल्प लिया है उसी के अनुसार व्रत का पारण करें। वैसे 27 अगस्त को प्रातः 5:56 पर पारण कर सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि अगर इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं तो माता लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। ये उपाय करने से मनोकामना की पूर्ति व धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। आइए जानते हैं जन्माष्टमी के कुछ अचूक उपाय, जिनमें से अगर आप एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाएं। इसके बाद लगातार 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को खीर या सफ़ेद मिठाई बांटें। लाभ होगा, करके तो देखें। यदि पैसे की समस्या चल रही हो तो जन्माष्टमी पर सुबह स्नान आदि करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करें व पीले फूलों की माला अर्पित करें। इससे आपकी परेशानी कम हो सकती है। सुख समृद्धि पाने के लिए जन्माष्टमी को पीले चंदन या केसर से गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका अथवा बिंदी लगाएं। ऐसा रोज करें। इस उपाय से मन को शांति मिलेगी और जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बनेंगे। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी पर कहीं केले के पौधे लगा दें, बाद में उनकी नियमित देखभाल करते रहें। जब पौधा फल देने लगे तो इसका दान करें, स्वयं न खाएं।
जन्माष्टमी के दिन पंजीरी का प्रसाद बनाया जाता है जो कफ को शमन करता है, वात के प्रकोप, पित्त के संचय को कम करता है। यह पाचन के लिए, आँखों के लिए लाभदायक है। पंजीरी दिमागी तरावट, मस्तिष्क संबंधी समस्याओं में फायदेमंद है। अब इसकी विधि जान लेते हैं। धनिया पाउडर लें 100 ग्राम, देसी घी 3 से 4 टेबलस्पून, मखाने 10 से 15 ग्राम, पिसी मिश्री 100 ग्राम, काजू बादाम 8 से 10 बारीक कटे हुए, चिरौंजी 1 चम्मच। और अब विधि जान लेते हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डालें और बारीक पिसे धनिए पाउडर को अच्छी खुशबू आने तक भून लीजिए। बचे हुए घी में मखाने डालकर भून लीजिए। मखाने भूनने के बाद मखानों को किसी भारी चीज से या हाथ से तोड़कर बारीक कर दरदरा कर लीजिए। काजू और बादाम को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब भुने हुए धनिए पाउडर में मखाने, काजू, बादाम और पिसी हुई मिश्री मिलाकर पंजीरी बना लीजिए। जन्माष्टमी पर जपे जाने वाले विशेष मंत्रों को जानने के लिए देखें oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। Press the bell icon to never miss a video from OneWorld News.